वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है मीशो मेकअप के ऊपर, जहां पे हम ट्राई करने वाले हैं मोस्ट चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम मीशो। ऐसे ब्रांड, ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, लेकिन वो मीशो पे आपको सिर्फ 100 रुपीज या फिर 100 रुपीज से भी कम प्राइस में मिल रहे हैं। रियली तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और साथ में हम इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ही क्रिएट करेंगे एक फेस्टिव लुक। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप हम मेकअप को स्टार्ट करते हैं, साथ में इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी मेकअप बेस से। सुज ब्यूटी का ही मैंने रियल मेकअप बेस परचेज किया है। इसका प्राइस 249 है, और ये अभी देख रहे हैं आप, ये सील है। मैंने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया, जैसे प्रोडक्ट्स आए हुए थे ये वैसे ही रखे हुए। इसका शेड है N03 पिंक टिंट। इसकी पैकिंग देखिए, मीशो वाले अब पैकिंग भी बहुत अच्छी करके देने लगे। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। का प्रोडक्ट है एंड ये क्रीम बेस प्राइमर है। इसमें हाइलाइटर भी है, शाइन भी हल्की सी, तो आप इसे एज अ हाइलाइटर एंड प्राइमर दोनों की तरह अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको कोई पार्टी या फंक्शन के लिए मेकअप करना है, उसमें आपको ग्लो चाहिए, तो आपको इसे फाउंडेशन से पहले अप्लाई करना है। तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फेस पे कैसा रिजल्ट इसका मिलता है। ये देखिए, इससे हमारे फेस पे शाइन भी आ चुकी है, साथ में फेस पे ग्लो भी नजर आ रहा है, और फेस हमारा बहुत स्मूथ लग रहा है। तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ एक पूरा फाउंडेशन एंड कंसीलर कॉम्बो, और ये वो पैलेट है जिसे मैं बहुत टाइम से परचेज करना चाहती थी। एक बार मैं आउटडोर शूट पे गई थी, तो वहां पे जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे उनके पास ये पैलेट था, और उन्होंने इससे बहुत अच्छा मेकअप किया था। आई मीन पूरा फेस एकदम अलग ही चेंज हो चुका था। तो डेट टाइम मैंने सोचा था कि मैं इस पैलेट को लूंगी, बट मैंने अदर ऐप पे सर्च किया तो बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था, 1300-1400। लेकिन ये मैंने मीशो से परचेज किया है। ये क्रायोलाइन का एक कंप्लीट प्रोफेशनल मेकअप पैलेट है, जिसमें कंसीलर भी है, करेक्टर भी है एंड कॉन्टोर भी है। आप इसे एज अ फाउंडेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मैंने मीशो से सिर्फ 267 रुपीज में परचेज किया है। आपको पता है जितना इसका पूरे पैलेट का प्राइस है ना, अगर आप इसका एक फाउंडेशन या सिर्फ एक कैरेक्टर लेते हैं, ये आपको सिर्फ 280 या फिर 300 में मिलेगा। और यहाँ पे हमें ये पूरा पैलेट ही, जिसमें पूरे 12 शेड हैं। अब इसकी क्वालिटी कैसी है वो हमें अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी इस ऑरेंज कलर से। मैं शेड नंबर बता देती हूँ, FS24। तो इससे हम अपनी जो भी फेस की डिस्कलरेशन है उसको हाइड करने वाले हैं। इसे मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिन है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, इसलिए अच्छा कवरेज नहीं दे रहा। बिकॉज कंसीलर या फाउंडेशन का जितना थिक टेक्सचर होता है उतना ही अच्छा कवरेज मिलता है। बट हाँ ठीक है, देखिए हमारे डार्क स्पॉट या जो भी हल्के फुल्के डिस्कलरेशन है उन्हें अच्छे से हाइड कर रहा है। तो हमें बस इसे इस तरीके से फिक्स कर देना है सेम प्लेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देना है। बिकॉज जब भी आप कैरेक्टर या कंसीलर का यूज करते हो डार्क स्पॉट या फिर डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए, तो आपको उसे 2-3 मिनट के लिए सेट होने के लिए लीव कर देना। अगर आप इस पे अभी से फाउंडेशन अप्लाई कर लोगे तो जब आप ब्लेंड करोगे फाउंडेशन को तो फाउंडेशन के साथ ही मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके कोई भी डार्क स्पॉट हाइड नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इसे पहले 2-3 मिनट के लिए सेट होने देना, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। मैंने एक ऑर्डर किया था जिसमें पूरा कॉम्बो था, आईलाइनर भी था, काजल भी था एंड मस्कारा भी था उसमें, और आईब्रो पेंसिल भी थी। ये 12 से 15 डेज चुका है, अभी तक ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। अदरवाइज ये वीडियो 7 या 8 डेज पहले ही आ जाती, तो अभी तक ऑर्डर नहीं आया और मैंने बहुत वेट कर लिया। अब मेरे पास आईब्रो फिलर नहीं है, बट मैं ये ADS की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने मीशो से ही परचेज किया था, बट ये मैंने पहले परचेज किया था। तो ये मीशो का ही प्रोडक्ट है, इससे ही हम अपने आईब्रो को फिल कर लेते हैं। ये काफी अच्छा वर्क करता है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है, बट नेचुरल आपकी आईब्रो को फिल कर देता है। तो मैं इससे ही हल्का हल्का अपनी आईब्रो को शेप दे देती हूँ।
और अब हम अपना बेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ G26B, और इसे मैं हैंड से ही अप्लाई करूंगी, बिकॉज जब हैंड से हम अप्लाई करते हैं ना, तो जो भी हमारा कंसीलर या फाउंडेशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ब्लेंड करने के लिए मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ मिला है। ये प्रोडक्ट क्या है मैं नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करूंगी, और इसे भी मैंने मीशो से ही परचेज किया है। पहले हम इसे डिप कर लेंगे वाटर में, ताकि ये हल्का सा स्पॉन्जी हो जाए। इसका साइज तो इंक्रीज हो चुका है, बट ये अभी भी बहुत टाइट है। देखते हैं इसे फाउंडेशन ब्लेंड होता है या नहीं। ये ब्लेंड तो कर रहा है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसने अच्छा कवरेज नहीं दिया है। मतलब जिस तरीके से एक फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद फेस बिल्कुल स्मूथ एंड फ्लॉलेस दिखता है, उस तरीके का कवरेज मुझे नहीं मिला। तो इसलिए हमें फाउंडेशन की एक लेयर और अप्लाई करनी है, बट इसके लिए आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। ब्यूटी ब्लेंडर को ही इसमें इस तरीके से डिप करना है, और इसके बाद आपको अप्लाई करना है। इसे मैं फिक्स करने वाली हूँ इस कॉम्पैक्ट पाउडर से, हुडा ब्यूटी ग्रीन टी कॉम्पैक्ट पाउडर। आई मीन हुडा ब्यूटी का मे बी लोकल प्रोडक्ट है ये। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में आया था, और इन दोनों का प्राइस मुझे 127 रुपीज मतलब टोटल हुआ है। तो उसमें आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है, साथ में ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी मिलता है। और इसका शेड बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है मुझे, एंड इसमें 2 शेड हैं, ये फर्स्ट वन है और ये मतलब इसके अंदर है, डबल केक है इसमें। तो मैं ये वाला अप्लाई करने वाली हूँ, और ये यहाँ पे इन्होंने स्पॉन्ज दिया है, तो इसके थ्रू ही हमें थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके और अपने बेस को पैक कर देना है। बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, इसके पार्टिकल बहुत ही चंकी हैं, ऐसा लग रहा है मैं आटा अप्लाई कर रही हूँ। और इसे हाई कवरेज तो क्या, सही से कवरेज भी नहीं मिला है। हाँ, बस थोड़ा सा चेंज आया कि जो फाउंडेशन ऑयली लग रहा था वो अभी ऑयल फ्री दिख रहा है। बट हाँ, एक नॉर्मल सा बेस क्रिएट हुआ है, जिसे आप 3-4 घंटे तो आराम से कैरी कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, आप थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट में, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, के लिए मैंने SFR का आई शेडो पैलेट परचेज किया है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने 90 रुपीज में परचेज किया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी एंड जो आई शेडो के पिगमेंट है वो कैसे होंगे। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। कितना ज्यादा पिगमेंटेड है, और ये पैलेट कितना खूबसूरत है, इसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी है। इसमें 9 शेड हैं और आपको सिर्फ 90 रुपीज में मिल रहा है, यार कितनी अच्छी डील है। आई मीन मुझे बहुत 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 पसंद आया। इसमें और कलर अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज मैं सारे ही परचेज कर ली। अब तक मैंने इसे सस्ता और अच्छा पैलेट परचेज नहीं किया है, तो अब मैं इसे ही अपना आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। पैलेट के थ्रू
मैंने पर्पल शिमरी आई शेडो लुक क्रिएट कर लिया है। आईलाइनर मेरे पास है नहीं, बिकॉज वो कॉम्बो मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने अलग से ही एक प्रोडक्ट परचेज करके रखा हुआ था। ये यानकीना वंडर ड्रॉइंग स्केच आईलाइनर है। ये मैंने पहले भी यूज किया था, क्योंकि मैंने इसे पहले भी परचेज किया था, तो इसने काफी अच्छा काम किया था। आप इसे डेली यूज कर सकते हो अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हो। तो इसका रिव्यू तो मैं पहले कर चुकी हूँ कि प्रोडक्ट काफी अच्छा है, काफी लंबा चलता भी है और स्मज भी नहीं है। ये देखिए काफी डार्क भी है, तो इससे ही हम आईलाइनर अप्लाई कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी वेन से। एंड काजल के लिए मैंने M&M से व्हाइट काजल परचेज किया, जो कि मीशो पे सिर्फ 90 रुपीज का मिल रहा है, आई मीन 95 या 93 रुपीज का। और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, बिकॉज मेरे पास सारे जो काजल हैं वो ब्लैक हैं, व्हाइट काजल मेरे पास था वो फिनिश हो चुका था, तो मैंने सोचा व्हाइट ही परचेज करके देखती हूँ। और मैं इसे पहले ओपन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसकी क्वालिटी देखते हैं। ये देखिए कितना डार्क शेड प्रोवाइड कर रहा है, और काफी अच्छा इसने काम किया है, कोई इरिटेशन नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो यार आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 90 या 95 रुपीज में, अगर आपको व्हाइट काजल अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है तो। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं इसे आगे भी यूज करने वाली हूँ। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है ब्लू हेवन का, ये आपको मीशो पे मिल जाएगा। और मैंने इसे अमेजोन से बहुत पहले परचेज किया था, अभी अप्रॉक्स पूरा फिनिश हो चुका है, मुझे इसे दोबारा से रिफिल करना है, बिकॉज ये बहुत अच्छा काम करता है और रेगुलर यूज के लिए तो एक अच्छा मस्कारा है, तो इसलिए मुझे इसे दोबारा से परचेज करना है। कंटूर करने वाली हूँ इस कंसीलर पैलेट से, तो इसके लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी, बिकॉज अगर मैं इसे यूज करूंगी तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, मुझे बिल्कुल नेचुरल कंटूरिंग चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ हल्का हल्का अपने फेस को कंटूर करने के लिए। तो जैसे मैंने बोला ना कि आप इसे कंसीलर की तरह, कैरेक्टर की तरह, आप इसे फाउंडेशन की तरह या कंटूर की तरह, मीन्स आप इसे मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो, तो आपको अलग से कंसीलर, फाउंडेशन, कॉन्टोर या फिर कैरेक्टर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने वाले हैं ब्लशर, जिसके लिए मैंने ये लिप एंड चीक टिंट बाय किया है, एंड दिस इज फ्रॉम वॉन्जो, और इसे मैंने सिर्फ 147 रुपीज में परचेज किया है। इसमें 4 शेड अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कोई सा भी शेड अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो इसे आप अपने चीक पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे आप अपने लिप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका टिंट कैसा है, पिगमेंटेड है या नहीं, कैसा ब्लश लुक देता है। ज्यादा हो गया, हम अभी हम इसे ब्लश ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड 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 होती। या अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब देखते हैं हमें कैसा लुक मिलता है। तो आप इसे नेचुरल लुक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छा लगा मुझे। फ्रेग्रेंस भी इसकी काफी अच्छी है, एंड इसका शेड है 102, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड को पिक कर सकते हैं, एंड आप इसे लिप्स के लिए, चीक के लिए और आईलिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए लिप्स पे भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। आपको ये हल्का सा केकी लग रहा होगा, इसका रीजन ये कि हमारा जो फाउंडेशन है ना वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, बिकॉज जब तक हमारा बेस स्मूथ नहीं होगा आप उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगे वो इवन नहीं दिखेगा, तो इसलिए हल्का सा ही पैची एंड केकी नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप इसे अपनी स्मूथ स्किन पे या विदाउट फाउंडेशन या मेकअप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत स्मूथ एंड अच्छा लुक मिलने वाला है। अब मैं अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत अच्छी डील है
और प्रोडक्ट से भी ज्यादा मुझे इसका लुक अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्यूट सा पैलेट है जिसमें 4 शेड हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो लाइट शेड हैं इन्हें मैं ज्यादा यूज करने वाली हूँ। मोस्टली मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ग्लोइंग फेस क्रिएट करता है। अगर आपको डस्क की लुक चाहिए तो आप फिर डार्क शेड के हाईलाइटर यूज कर सकते हो। ये काफी अफोर्डेबल है, सिर्फ हमें 131 में 4 शेड के हाईलाइटर मिल रहे हैं और इसमें और भी कलर कॉम्बिनेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। वाओ, देखने कितना सिमरी एंड ग्लोइंग लुक प्रोवाइड कर रहा है, बहुत शाइन है इसमें। तो इसलिए हमें इसकी बहुत कम क्वांटिटी ही अप्लाई करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगे तो बहुत ज्यादा शाइन आपके चेहरे पे अलग से ही नजर आएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा अप्लाई करना है। हमारा पूरा लुक ही अलग से चेंज हो गया। मैंने बहुत चुन चुन के प्रोडक्ट परचेज किए हैं। मैं पहले सोच रही थी, डाउट में थी कि काम करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है यार। मतलब 4 शेड के हाईलाइटर मिल रहे हैं, वो भी आपको सिर्फ 130 रुपीज में, तो हमें बिलीव ही नहीं हो पाता। ऐसा लगता है हमारे साथ मजाक हो रहा है, फिर लगता है कि शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इसलिए प्राइस कम है। बट यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी कम है। और अब हम अप्लाई करने वाले हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने यहाँ पे पूरा एक कॉम्बो परचेज किया है और मे बी ये लिपस्टिक आपको 10 या 12 रुपीज में पड़ेगी पर लिपस्टिक। इसमें 10 लिपस्टिक है, 10 शेड है और ये पूरा मैंने परचेज किया है सिर्फ 140 रुपीज में। पर लिपस्टिक आपको सिर्फ 40 रुपीज की मिल रही है, तो इतना सस्ता और कहाँ मिलेगा। अभी ये ऐसे ही सील रखा हुआ है, अब मैं इसे आपके सामने ही अनबॉक्स कर रही हूँ पूरा। एंड आप देखते हैं कैसा वर्क करता है, इसकी क्वालिटी, टेक्सचर, स्मेल कैसी है। 14 रुपीज की लिपस्टिक है ये, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी इसकी काफी है, आप इसे 2-3 महीने तो आराम से यूज कर सकते। तो देखते हैं इसका पिगमेंट कैसा है। डायरेक्टली मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। ये फ्रंट से पॉइंटेड है तो इससे मैं अपनी आउटलाइन कर लूंगी। नॉट बैड, काफी अच्छा पिगमेंट है ये देखिए। इसमें अलग अलग शेड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। कॉलेज के लिए जैसा शेड चाहे न्यूड अप्लाई करें या डार्क शेड अप्लाई करें, तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर शेड है ना इसका, बहुत क्रीमी नहीं है, ठीक है। आप यूज कर सकते हो। अब ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज की ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, बट अभी मुझे बहुत अच्छा इसका लुक लग रहा है। एंड फ्रेगनेंस भी इसकी अच्छी है, मतलब ठीक है, आप आराम से बियर कर सकते हो। तो मुझे प्रोडक्ट ठीक लगा, बहुत अच्छा भी नहीं है मैं, और इसे चीप भी नहीं बोल सकती। अकॉर्डिंग टू प्राइस भी और क्वालिटी भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये शेड मुझे थोड़ा सा इसके साथ अलग सा लग रहा है, पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो मैं ना चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई डार्क और इससे ज्यादा डार्क शेड अप्लाई करूँ। ये वाला शेड मुझे इसके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस लुक के साथ, और ओके भी जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको ही रखने वाली हूँ। और लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर मैंने स्विस ब्यूटी का ही परचेज किया है, जो कि मोस्टली आप लोगों के पास होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं से परचेज जरूर किया होगा। बट ये मीशो पे सिर्फ हमें 125 रुपीज में मिल रहा है। जो इसका प्राइस है मीशो पे वो अदर वेबसाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, हाफ प्राइस में हमें ये मिल रहा है। तो चलिए हम इसे यूज करके देखते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। नो, इसमें बहुत बहुत ज्यादा अल्कोहल है, मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रही इसकी स्मेल। बहुत हाई फ्रेग्रेंस है इसकी, और इससे ना आंखों में भी इरिटेशन हो रही है, मतलब आंखों में मेरी जलन हो रही है इससे हल्की हल्की। अभी ठीक है, पर ठीक है अगर ये अच्छा काम करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो ये जो 125 रुपीज भी जा रहे हैं ना ये भी वेस्ट ही होंगे, क्योंकि मैं तो इसे यूज नहीं करने वाली। मैंने एक फ्लिपकार्ट से परचेज कर रखा है, ऑलरेडी मेरे पास ये है तो मैं उसे यूज करूंगी। इसकी फ्रेग्रेंस मेरे से बर्दाश्त नहीं होने वाली, वैसे भी मेरी नाक बहुत तेज है। तो इस तरीके का पूरा लुक मैंने क्रिएट किया है। अब मैं इसमें हल्की सी ज्वेलरी और ऐड कर देती हूँ, फिर देखते हैं हमारा फाइनल लुक किस तरीके से पूरा क्रिएट होता है।
अब हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये मेकअप स्वेट प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ है या नहीं। इससे पता चलता है कि हमारा मेकअप हमारे चेहरे पे कितनी देर तक रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसे अपने फेस पे इस तरीके से डाला है एंड अब मुझे एक ड्राई वाइप या फिर कॉटन हैंकी या फिर आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, उसके थ्रू हमें हल्का हल्का अपने फेस को पफ करना है। कंप्लीट पफिंग के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप इस टिश्यू पेपर में नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि नॉर्मल मेकअप भी इतना हटता है। अगर आप उस पर भी पानी डालोगे और वो वाटर प्रूफ नहीं है तो वो इतना हटेगा ही हटेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट के बाद आपको अच्छे से स्किन केयर फॉलो करना है एंड अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है ताकि आपकी स्किन में कोई भी फ़र्क ना दिखे। तो आई होप कि ये एफर्ट थोड़ा सा जो मैंने किया आपके लिए आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।